कुछ परेशानियां होंगी। इस समय हम खड़े हैं शास्त्री पार्क, जहां पे हर साल की तरह करीब 21 साल से लगातार विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का मंचन होता आया है। और आप देखिए, आज भी यहां भव्य तैयारियां की गई हैं। और एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ पे इस कमेटी को पिछले साल कोरोना काल में भी रामलीला का मंचन करने का मौका मिला था, और अकेली पूरी दिल्ली के अंदर ये कमेटी ऐसी थी जिसने इस रामलीला कमेटी का मंचन किया, इस रामलीला का मंचन किया। और पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट रामलीला कमेटी का अवार्ड भी उसको लास्ट ईयर मिला है। और ये हर साल की तरह शास्त्री पार्क के डीडीए मैदान में ही होने जा रही है इस साल भी। आज इसका भूमि पूजन है, और साथ ही साथ इसका 5 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसका मंचन होना है। और आज इसका भूमि पूजन है, और उसकी कुछ झांकियां, कुछ भूमि पूजन की कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं। और आज उसका भूमि पूजन यहाँ शास्त्री पार्क के डीडीए मैदान में हो रहा है, जिसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। और यह इस पूरी दिल्ली की नंबर 1 रामलीला कमेटी के रूप में इस टाइम जानी जाती है। और लास्ट ईयर इसको यहाँ बेस्ट रामलीला कमेटी का अवार्ड मिला है, जो कि इसके अथक प्रयास और अथक जो ये मेहनत करते हैं, ये उसका नतीजा है। और ये शास्त्री पार्क जी ब्लॉक गली नंबर 4 की वो दुर्गा मंदिर है जहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे हवन का आयोजन किया गया है, और आप देखिए यहाँ पे पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी चौधरी विजेंद्र प्रधान, जो रामलीला कमेटी के प्रधान हैं, प्रेमपाल ठाकुर जी, हरीश चौधरी, गौरव शर्मा, और ऐसे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ भूमि पूजन का वह कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे हवन की तैयारियाँ चल रही हैं। और आप देखिए यहाँ शस्त्र पूजा हो रही है, हर साल की तरह यहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है। कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शस्त्र पूजा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। और ये देखिए यहाँ शस्त्र पूजा के साथ साथ वो पताका जो वीर बजरंगी का पताका कहलाता है, आज इसका उस रामलीला कमेटी के जो भूमि पूजन है वहाँ पे लगाया जाएगा, उसका यहाँ पे भूमि पूजन किया जा रहा है। और उसकी तैयारियाँ आप देखिए चल रही हैं। पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी, चौधरी विजेंद्र और गौरव शर्मा, उनकी धर्मपत्नी चौधरी हरीश और उनकी धर्मपत्नी, और साथ ही साथ रामलीला के प्रधान ठाकुर प्रेमपाल और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ सभी मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ के सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस रामलीला के कदम से कदम मिला के चलते हैं और इस रामलीला को भव्य बनाते हैं। और लास्ट ईयर इस रामलीला को नंबर 1 की रामलीला बना के इन्होंने ये प्रूफ किया कि 21 साल से जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसे मिलता है। पूरी दिल्ली में अकेली रामलीला कोविड के दौरान ये हुई थी, और इसको पूरी दिल्ली के अंदर नंबर 1 का खिताब मिला है। और यह इस रामलीला कमेटी यानी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के लिए गर्व की बात है। और आज इसका फिर भूमि पूजन हो रहा है, और आने वाली 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक यानी 5 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का इसका मंचन होना है, जो कि डीडीए ग्राउंड शास्त्री पार्क में हर साल की तरह होता है। और इस बार भी यहाँ पे इसका भूमि पूजन हो रहा है, और आप लोगों को बहुत जल्द यह रामलीला अक्टूबर में 5 तारीख से 16 तारीख तक देखने को मिलेगी। और इसके बाद शुरू हुआ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का वह मंचन जिसका लोगों को इंतजार था। यहाँ पे सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आराधना की गई, उनकी स्तुति की गई, और उसके बाद यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का मन मोह लिया। सभी ने इस मंचन का, इस कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया, और सभी ने कहा कि जैसे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार मंचन करती आई है, उसकी रामलीला की पूरे दिल्ली के अंदर धाक है, उसी तरीके का यह आयोजन भी हुआ है। यहाँ पे आए सभी क्षेत्र के निगम पार्षद हों, विधायक हों, आम आदमी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, सभी का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें क्षेत्र विधायक, क्षेत्र निगम पार्षद और महिला शक्ति भी अपना यहाँ पे वर्चस्व दिखाया उन्होंने भी, और लोगों ने भी इसमें जमकर अपना योगदान दिया। यहाँ पे चेयरमैन हरीश चौधरी
ठाकुर प्रेमपाल जो कि यहाँ के प्रधान हैं और दिवाकर पांडे जो इस रामलीला के सभी के कर्ता धर्ता हैं वो सभी मौजूद थे और उन्होंने यहाँ आए सभी अपने गेस्टों का अपने मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। यहाँ पे पूर्व निगम पार्षदा रेखा रानी भी मौजूद थी, विजेंद्र प्रधान वो भी मौजूद थे, यहाँ पे बलबीर परमार जो कि आम आदमी पार्टी से हैं वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे और ठाकुर प्रेमपाल भी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ मौजूद थे जो यहाँ के प्रधान भी हैं। इसी कड़ी में गौरव शर्मा और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद रहे। इन्हों लोगों ने ही आज भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पे जो आयोजन हुआ था उसमें भी अपनी शिरकत की। ऐसे ही एक नाम ठाकुर विनोद जायज भी हैं जो कि एक समाज सेवी हैं और इस पूरे में पूरे एरिया के अंदर उनकी एक अलग पहचान है, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और यह सारे कार्यक्रम लगातार ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद क्षेत्र विधायक और सांसद दोनों ही क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी ने भी इस रामलीला कमेटी पे आ चुके हैं योगदान भूमि पूजन में और साथ ही साथ क्षेत्रीय विधायक अजय महावर भी यहाँ पे मौजूद हैं और वीसी वशिष्ठ जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, वीसी वशिष्ठ महोदय जी हमारे बीच, आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत है। हेलो हेलो, मैंने कहा कि से स्नेह आपको। हेलो हेलो, ये शस्त्र पूजा होने के बाद अब सांसद मनोज तिवारी जी गदा धनुष और ऐसे सभी शस्त्र लेके यहाँ पे मंच की ओर जा रहे हैं जहाँ पे भूमि पूजन हुआ है और आप देख सकते हैं इसका शुभारंभ सांसद मनोज तिवारी जी कर चुके हैं। ये सांसद मनोज तिवारी जी का सभी पदाधिकारियों के साथ विधायक अजय महावर जी, ठाकुर प्रेमपाल जो कि यहाँ के प्रधान भी हैं रामलीला के, सभी यहाँ पे मौजूद हैं और देखिए ये शस्त्र लेके रामलीला मंच की ओर जाया जा रहा है जहाँ भूमि पूजन हो रहा है। आप देख सकते हैं लगातार ये पताका लेके डॉक्टर यूके चौधरी, ये भी इनके साथ चल रहे हैं डॉक्टर चौधरी नरेंद्र गुर्जर, ये भी लगातार ये साथ चल रहे हैं विधायक जी के, सांसद जी के। और ये देखिए ये भूमि पूजन जहां होना है वहां की ओर प्रस्थान करते हुए, ये देखिए आप भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है सांसद मनोज तिवारी द्वारा और साथ में क्षेत्र विधायक अजय महावर जी और वीसी वशिष्ठ रामलीला के प्रधान प्रेमपाल ठाकुर जी, हरीश चौधरी, विजेंद्र प्रधान, पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और गदा हाथ में लेके जो हनुमान जी का प्रमुख शस्त्र है उसको लेके भूमि पूजन में सांसद मनोज तिवारी, आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है। वास्तु भगवान देवताभ्यो नमः। नारियल लाइए नारियल फोड़ के अब इसका शुभारंभ कर दिया गया है सांसद मनोज तिवारी द्वारा और साथ ही साथ क्षेत्र विधायक अजय महावर भी यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल भी मौजूद हैं, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चेयरमैन हरीश चौधरी ने भी नारियल फोड़ के यहाँ का शुभारंभ किया है, आप देखिए क्षेत्र विधायक अजय महावर भी। गौरी जी क्या कहेंगे विष्णुधर रामलीला कमेटी जिसको फर्स्ट पुरस्कार मिला है पूर्वी दिल्ली का,
इसको कैसे देखते हैं, इसको भूमि पूजन? विष्णु अवतार रामलीला समिति बहुत ही रिसर्च और बहुत ही पवित्रता के साथ रामलीला करती है। हम सभी उसके सफल संपादन में साथ में खड़े हैं। हमारे क्षेत्र के सभी लोग मिलकर एक ऐसी एकता आपको दिखेगी विष्णु अवतार रामलीला समिति में कि यहाँ न कोई राजनीतिक दल देखता है, न कोई जाति धर्म देखता है, यहाँ एक ही सबका धर्म है, जय सियाराम, भगवान श्री राम की रामलीला, और उसके लिए हम किसी भी हद तक इसकी सहायता करने को तैयार हैं। अरे वो छोड़ो, होगा कर, यहाँ भी कर लेंगे। दिवाकर जी, आज भूमि पूजन हुआ है, 5 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होना है। लास्ट टाइम इस रामलीला कमेटी को, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी को नंबर 1 का खिताब मिला है, इस बार आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लगातार 21वें वर्ष में प्रवेश किया विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क ने, और जमुना पार्क क्षेत्र के हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत ही सुखद विषय है कि इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति विष्णु अवतार रामलीला कमेटी इसी मंच के माध्यम से मंचन करने जा रही है। 5 अक्टूबर से मंचन शुरू होगा और 16 अक्टूबर तक शाम को 7 बजे कोविड की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए संपन्न किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध, सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से अनुरोध कि आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने को सभी लोग वैक्सीनेट करते हुए रामलीला पंडाल में पहुंचे और उचित दूरी का पालन करते हुए रामलीला का आनंद लें। जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई क्योंकि लास्ट टाइम नंबर 1 का खिताब, इस बार क्या? देखिए, ये सभी लोगों का सहयोग था और कुछ विषम ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कोविड के कारण बहुत सारी रामलीलाएँ हो नहीं पाई थी, क्योंकि पहले से इस पूरी कमेटी का प्रयास था और अंतिम समय में परमिशन होने के कारण, प्रशासन की जो अनुमति मिली है उसके कारण रामलीला संपन्न कराया गया। और हर वर्ष यही प्रयास होता है कि पहले से अच्छा किया जाए। ये तो प्रशासन ने देखा होगा, उसने अपने आप में तय किया होगा, क्षेत्र की जनता ने इसको प्रथम माना है, बहुत खुशी का विषय है। हमारा प्रयास सार्थक होना चाहिए और प्रयास सार्थक है। 21 साल हो चुके हैं रामलीला कमेटी को, इस बार कैसा भव्य मंचन होने वाला है क्योंकि लास्ट टाइम इसको नंबर 1 का खिताब मिला? सर्वप्रथम मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को भगवान श्री राम के मंचन की, प्रभु श्री राम के मंचन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी देशवासियों के और भगवान श्री राम के सहयोग से ये लीला हमारे सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है दिन ब दिन। ये 21वां मंचन है रामलीला का, जिसका कि आज हम भूमि पूजन समारोह संपन्न हो रहा है, लगभग हो चुका है। हमारे माननीय श्री मनोज तिवारी जी, जो कि इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनके द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत अच्छा लगा, हमारे सांसद जी ने कमेटी को, वो कमेटी के अंदर हर बार आते हैं रामलीला का मंचन देखने के लिए, और कमेटी को आज भी पूरी भरी सभा के अंदर आश्वस्त करके गए हैं कि जिस तरीके से एक देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाजों का, सभी धर्मों का, सभी क्षेत्रवासियों का एक सहयोग बना के ये रामलीला अपनी एकता को दर्शाती है, जितना भव्य मंचन कर पाती है उसी के हिसाब से उन्हें बहुत खुशी होती है इस लीला में आके। और उन्होंने बोला है कि जय श्री राम कहने के साथ मैं एक ही वादा करके जा रहा हूँ कि जितना भी मेरे से सहयोग हो पाएगा इस रामलीला के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा, और उनका हमें भरपूर सहयोग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपनी दिल्ली पुलिस का, दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली सरकार का और भारत सरकार का कि इन सभी के सहयोग से और सभी आप जैसे हमारे भाइयों का, जो कि इसकी प्रचार और प्रसार को मीडिया के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाते हैं, तो हम तो एकमात्र उसकी कड़ी हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ से प्रधान हूँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी से, हमारा तो जो भी अपना योगदान शारीरिक रहता है जैसे कर पाते हैं, लेकिन आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस रामलीला को आगे ले जाने में। बड़ा सुंदर मंचन करने की कोशिश की जाएगी, भारत सरकार के जो भी गाइडलाइन उनकी, उनके मुताबिक ही कार्य करेंगे, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सविता मनोज, देखिए पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा भूमि पूजन आज का आपने कवरेज किया और इतने शानदार ढंग से किया है कि उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। मैं हरीश चौधरी, चेयरमैन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, आपको आश्वासन देता हूँ कि इस बार की रामलीला बड़े ही शांतिपूर्ण होगी और
हम जो कोविड की गाइडलाइन है उनको देखते हुए बड़े इंतजाम के साथ रामलीला करने जा रहे हैं। आप सबकी सेफ्टी हमारा प्रथम धर्म होगा और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का चेयरमैन होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी रामलीला में आप आएंगे तो हर चीज सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके जितनी भी कोविड की गाइडलाइन है उनको पूरा किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि हमारी रामलीलाओं को ऐसे ही आशीर्वाद प्रदान करते रहें और जो 21वां वर्ष हमारी रामलीला का आज प्रारंभ हुआ है भूमि पूजन के माध्यम से, हम आप सबसे आशा करेंगे कि आप हमारे लिए ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए हमें आशीर्वाद देते रहें। आप सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच बिल्कुल खाली कर दें। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से देखते हैं जिस तरह पिछले बार कोरोना के रहते हुए हमारी रामलीला को जो है परमिशन मिली थी, बाकी दिल्ली में बहुत जगह रामलीला नहीं हो पाई थी, तो ये बड़ी बात है। ये हमारे जमुना पार्क की सबसे बड़ी रामलीला है और आज 21वां लगातार 21 साल हो गए हैं इस रामलीला को। आज 21वां भूमि पूजन हम लोगों ने यहाँ किया है, हवन पूजन किया है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। इतना बड़ा भव्य आयोजन करने के लिए मैं सभी आयोजककर्ताओं को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी मेहमानों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं कहूँगी कि ये बड़ा चैलेंजिंग रहा क्योंकि जिस तरीके से मौसम भी ख़राब रहा और कोरोना महामारी में परमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल रहा, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से संस्थापकों ने और यहाँ आयोजकों ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और हम सभी सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, हवन पूजन भंडारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह यहाँ चल रहा है, तो सभी मेहमानों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी आयोजकों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि ईश्वर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। कोविड में इस बार भी इस रामलीला का मंचन हो रहा है, आज का भूमि पूजन है, आपने उसमें बटर के हिस्सेदारी पिछले साल भी दिखाई थी, इस साल भी लास्ट टाइम इस रामलीला को दिल्ली की बेस्ट रामलीला का अवार्ड मिला, जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी ये जो कार्यक्रम है, मेरा मानना ये है कि किसी भी कार्यक्रम को सफल करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, पूरी टीम का हाथ होता है। तो यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं जो इस लीला के मंचन में अपना सहयोग करते हैं, वह विशेष तौर पर देखना कि जो भी व्यक्ति एक बार अगर रामलीला का जो हिस्सा बन जाता है तो उसको अपने परिवार की तरह सदस्य उसको बना लेते हैं, अपने व्यवहार से प्रेम से जो है एक परिवार इतना बड़ा हो गया है, इस परिवार के बढ़ने के कारण ही इस रामलीला का जो स्वरूप है वो इतना विशाल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। यही कारण है जो पिछली वर्ष जो इस रामलीला विष्णु अवतार रामलीला को